So today we will proceed into our electrolysis. So हमने कुछ key terms की थी कल और we had an introduction about electrolysis. So आज we will go through theory of electrolytic dissociation. क्योंकि obviously ये इतना बड़ा concept है तो ये एकदम से तो नहीं आया. It was like इसके पीछे काफी hard work है RMS का and he gave us this theory. और उसका जो concept था it is still widely accepted. देखो बेटा उसने ये हमें कहा कि whenever an electrolyte, when we dissolve that electrolyte in water, जैसे ही वो water में dissolve होता है, it dissociates, मतलब it breaks down into free mobile ions, जिससे आपका जो electric current का flow है, उसको permission मिलता है. So very first thing what the theory states is, when an electrolyte or dissolving in water, it dissociates into free mobile ions. Which allow the movement of, which allow the flow of electric current. As you know, all ions, because we know ions, they are of just two nature. Unka do dual nature hi hota hai, ya to positive honge ya it will be negative. So they carry charge. They have either positive charge or negative charge. So they are actually responsible for that flow of current through solution. Because agar hum electric current ko bhi samajhte hain, to electric current is basically flow of charges. So jab solution mein charges hain aur wo move kar rahe hain, they are free to move. तो तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. तो कंडक्टिविटी आपकी डिपेंड करती है कि आपके सॉल्यूशन में जो आयंस की कंसंट्रेशन क्या है उसके ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है. जैसे अगर सपोज मेरे एक सॉल्यूशन है उसमें आयंस की कंसंट्रेशन काफी अच्छी है, इट्स क्वाइट हाई, तो नेचुरली उसकी कंडक्टिविटी काफी हाई होगी. लेकिन अगर उसकी उसमें कंसंट्रेशन आयंस की काफी कम है, मतलब देयर इज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेजेंट है, आयंस नहीं प्रेजेंट है, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑब्वियसली विल रिड्यूस डाउन. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है, जो एपरेटस होता है या एक सॉल्यूशन है हमारा, उसके अंदर यू हैव एन इक्विलिब्रियम इन दैट, उसके अंदर इक्विलिब्रियम रहता ही रहता है. मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, दिस इज फॉर श्योर. वो न्यूट्रल रहता है, वो उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. और साथ में अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने होंगे, जितने आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे, इस वजह से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है आपका. क्योंकि आप किसी भी चीज को अनस्टेबल नहीं बना सकते, अनस्टेबल बनाते ही वो चीज जो है वो एक अच्छा रिस्पांस नहीं देती. सो नीड टू हैव सम स्टेबिलिटी. तो जैसे एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर वी हैव दैट स्टेबिलिटी विद दैट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर वो हैपहैजर्ड होता है तो देखो जैसे हम हैवी न्यूक्लियर में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे आपका मास बहुत ज्यादा है तो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, काफी डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट शोइंग रेडियो एक्टिविटी. इसी तरह से ये भी अनस्टेबल नहीं होंगे, कंडक्शन जो है इट विल नॉट बी प्रॉपर. सो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम का अचीव करना बहुत जरूरी होता है. फिर जैसे हमने कल भी बात की थी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की थी, दे वर द सॉल्यूशन व्हिच डिडंट कंडक्ट यू नो इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्लो ऑफ चार्जेस को बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे थे कि वो उनके थ्रू फ्लो करें. उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि दे वर नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ आयनाइजेशन, वो आयनाइजेशन कर ही नहीं रहे थे, दे वर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ डिसोसिएशन. सो उनके सॉल्यूशंस में आयंस की जगह क्या प्रेजेंट थे, ओनली मॉलिक्यूल्स, सिर्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, देर वॉज नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ आयंस, क्योंकि वो डिसोसिएशन शो ही नहीं कर रहे हैं. नाउ अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्वियसली इट विल डिपेंड कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, इज इट स्ट्रॉन्ग और इट इज वीक. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एज यू नो कि वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, मतलब दे रेडिली ब्रेकन अप इनटू दे गेट ब्रोकन अप इनटू आयंस, राइट. वेयर एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं बेटा, दे शो डिसोसिएशन बट आधे अधूरे मन से, राइट. पढ़ना है लेकिन आधे अधूरे मन से पढ़ना, दैट इज द थिंग. तो वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर एक्चुअली दे शो डिसोसिएशन बट क्वाइट इनकम्प्लीट, पार्शियल डिसोसिएशन शो करते हैं. अब व्हेन दे आर टॉकिंग ऑफ कंडक्शन एंड कंपाउंड्स, अब कंपाउंड्स के अंदर कंडक्शन कैसे होती है, How does it happen? देखो बेटा जो electrovalent compounds होते हैं या ionic compounds होते हैं, we very well know कि वो उसका मतलब क्या है कि there is a presence of opposite charges. वो एक charges के involvement से बना है compound. So there is an आप कह सकते हो accumulation of the charges. और वो अपनी position में रहते हैं because एक ही फंडा होता है कि जो opposite charges होते हैं ना they attract with each other. वो एक दूसरे को इतनी फोर्सफुली अट्रैक्ट करते हैं कि दे हैव गॉट दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन देम, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट हाई. तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर क्वाइट, उनको जो अगर हमें ब्रेक डाउन करना हो तो काफी एनर्जी लगानी पड़ती है. तो जब आप
उनको मेल्ट करते हो या हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इसको तोड़ दिया जाता है. जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, उस बॉन्ड को जब तोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, आयंस दे आर मेड अवेलेबल टू मूव आउट, वो मूव आउट कर सकते हैं. ऑब्वियसली जैसे ही आयंस आपके मूव आउट करना शुरू हुए, दे बिकम मोबाइल, ऑब्वियसली दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड दिस इज हाउ जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्शन नहीं करेंगे. लेकिन हाँ, अगर हम उसको मेल्ट कर देंगे या हम उसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे तब वो कंडक्शन करता है, बिकॉज उस केस में उनके पास जो आयंस प्रेजेंट थे, पॉजिटिव नेगेटिव, उनके पास पहले से ही थे. बट जैसे ही वो मोल्टन स्टेट या डिसॉल्व स्टेट में पहुंचे, तब वो आयंस जो थे दे वर मेड अवेलेबल फॉर मोशन, वो मूव करना शुरू हुए, मोबाइल हो गए थे. सो दे वर लाइक मूविंग हियर एंड देयर. सो दैट इज व्हाई, बिकॉज चार्जेस का मूव करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू बी अ गुड कंडक्टर. ओके, अब जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये पोलर होते हैं नेचर में. हमने कल भी बात की थी, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है कैसा होता है, उसमें जो हाइड्रोजन है इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इनके बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है. तो अब ऑक्सीजन क्या करता है, जो इनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट का मतलब यही होता है कि जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कि ऑब्वियसली हाइड्रोजन ने भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है और ऑक्सीजन ने भी कंप्लीट करना है. अब दोनों ने यही डील बनाई कि वी विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. तो इससे क्या है, हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया. बट अब ऑक्सीजन जो है थोड़ा सा पावरफुल है. व्हाट इट एक्चुअली डज, वो क्या करता है, जो उनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, उसको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. ठीक है, तो एक तरह का एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है. उसका क्या मतलब है, कुछ स्लाइट चार्ज आ जाता है. ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कर लिया. तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट ज्यादा है प्रोटॉन से, तो नेचुरली आपके ऊपर एक नेगेटिव साइन आता है, उसको हम बोलते हैं डायपोल नेगेटिव. और जो हाइड्रोजन है क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे थोड़ी सी दूर है, इसीलिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो डायपोल पॉजिटिव माना जाता है. ठीक है जी, अब एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज कर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. अब बेटा हम देखते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम बात कर रहे हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो हम बात करते हैं कि कैसे है इलेक्ट्रोल. उसके अगर किसी भी कंपाउंड के हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ऑब्वियसली ये सारे फीचर्स आपको उसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे. तो अगर एक ये जर्नल आपके दिमाग में अच्छे से पिक्चर फिट हो जाती है, तो नेचुरली आप किसी भी कंपाउंड का डायग्रामेटिकली बड़े आराम से एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं. देखिए बेटा, सबसे पहले व्हाट हैपेंस कि कोई हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, द सोल्यूबल पार्ट, जो आपका एक सोल्यूशन पार्ट होगा जिसके अंदर जिस कंपाउंड को हमने तोड़ना है उस कंपाउंड का सोल्यूशन लेना है आपने, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएशन शो करेगा, राइट. अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोलाइट में जो ऑलरेडी डिसोसिएशन हो रही थी, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, सोल्यूबल पार्ट ले रहे हो, डिसॉल्व पार्ट ले रहे हो, उसको आप वाटर में मिक्स कर रहे हो या मोल्टन ले रहे हो, ठीक है, इन दोनों केस में आयंस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. सो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पैसेज शुरू होता है, व्हाट हैपेंस इज, जो कैटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं. सो जो कैटायंस होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है. जो कैटायंस हमारे हैं उन्होंने कहाँ जाना है, कैथोड की तरफ. और जो एनायंस होंगे दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है. अब एक फंडा जो होता है इसमें, एक जो बेसिक चीज है वो क्या रहती है, कि जितने भी आपके एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे गेन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड जो है वो देता है, मतलब लूज करता है. क्लियर है, इस चीज को जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि हमारा एक इक्विलिब्रियम जो है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ आर्नियस, आपका ये बैलेंस बनना बहुत जरूरी है. ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि देखो कोई भी चीज हम बना नहीं सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. सो दिस इज हाउ, हम इलेक्ट्रॉन्स को भी गायब नहीं कर सकते, एज सच कहाँ चले गए, वो हेर फेर यहाँ पे नहीं चलेगी. यहाँ वाली अकाउंटेंसी शुड बी वेरी मच क्लियर, अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ गपला. सो वो चीज यहाँ पे अलाउड नहीं है. सो जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड गेन करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड वो गिव अवे कर देता है. सो प्रोडक्ट्स जो है ऑब्वियसली कैथोड पे भी बनते हैं और एनोड पे भी बनते हैं. एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पे, और सिर्फ उसके सर्फेस पे होता है. ऐसा नहीं होता कि इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रोड जा रहा है, नो, इट इज जस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ इलेक्ट्रोड. अब बेटा देखो, जो हाइड्रोजन गैस है और जो मेटल्स है, जितने भी आपके मेटल्स होंगे या फिर हाइड्रोजन गैस होगा, क्लियर है बेटा, हाइड्रोजन गैस और योर मेटल्स,
ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और ये सबके सब कहाँ लिबरेट होंगे, कैथोड पे। इस चीज को याद कर लो, आपका हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल्स, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इसलिए ये कहाँ पे लिबरेट होते हैं, कैथोड पे होते हैं। वेयर एज योर नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, सो दे टेंड टू लिबरेट एट एनोड। क्लियर है बेटा, इसको आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये चीजें, जैसे अब कॉपर सल्फेट है, वी नो कॉपर इज अ मेटल, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। क्लियर है, तो ये हमें अगर एक भी एक पार्ट भी आप याद कर लेते हो तो दूसरा फिर अंडरस्टूड हो जाता है कि यस द अदर पार्ट विल बी देयर एट द अदर एंड। ओके, नाउ कम्स योर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो, ऑब्वियसली हम एक फिनोमेना पढ़ रहे हैं, जो फिनोमेना है दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और ये ऐसा फिनोमेना है विच इज वेरी हेल्पफुल, प्रैक्टिकली इट्स क्वाइट हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि देखो, आयनिक कंपाउंड्स हैं, अगर हमें उसमें से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को निकालना है, आयनिक कंपाउंड्स को तो ब्रेक डाउन करना इतना मुश्किल है, सो इट इज सो ईजी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिल्कुल प्योर मेटल मिल जाता है, प्योर एलिमेंट मिलेगा, मेटल और नॉन मेटल, सॉरी, जैसे हम मेटलर्जी करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, तो उसमें भी यही हो रहा है, वी गेट द प्योरेस्ट फॉर्म, हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म मिल जाता है। सो फैराडे ने इसको गवर्न करने के लिए एक लॉ दिया था, वो लॉ क्या था, वो लॉ स्टेट क्या करता है कि भाई जितना आपका सब्सटेंस बन रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, द मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। नेचुरल सी बात है, आप जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा मास प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, अब ये तो सीधी सी बात है ना, देखो हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं क्या हो रहा है, देयर इज पैसेज ऑफ या देयर इज फ्लो ऑफ electrons to their respective electrodes. जितना ज्यादा हम electricity को pass करवाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका mass of that substance will be produced, क्योंकि ions जो हैं वो बहुत fastly move करेंगे. Is that clear? ठीक है, चलिए next आता है बेटा, what we have. अब देखो, जैसे redox है यहाँ पे, अगर हम एक electrolysis की बात करते हैं, naturally we talked about कि एक इलेक्ट्रोड पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक पे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका क्या मतलब बना, देयर इज अ साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, वो लगातार हो रहा है। जैसे अगर सपोज NaCl है, हम उसको डिसोसिएट करते हैं, हमें उसे तोड़ना है, तो व्हाट विल हैपन, एक्चुअली वो होता क्या है, जब NaCl को हम पास ऑन करते हैं तो व्हाट इट हैपेंस, ये सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में बन जाता है। अब कैथोड पे क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। कैथोड पे हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा आफ्टर रिडक्शन, मतलब इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन ओवर देयर। और एनोड पे क्या हो रहा है, क्लोराइड जो है वो जो उसके पास एक्स्ट्रा आयन है उसको वापस दे रहा है, ठीक है। क्लोराइड ऑल्दो अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि 287 है, उसने वन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो स्टेबल हो गया। लेकिन Cl नेगेटिव इज नॉट एट ऑल क्वाइट, मतलब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता, ठीक है, वो मोनोटॉमिक स्टेट में नहीं रहता है, इट हैज टू अकर इन मॉलिक्यूलर स्टेट या फिर किसी कंपाउंड में रहता है। एज सच Cl नेगेटिव इज क्वाइट अनस्टेबल। अब वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो क्या करता है, एनोड को हैंड ओवर कर देता है, एंड इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ टू Cl एंड देन Cl प्लस Cl, क्योंकि ये सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं रहता, इट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो फिर हमारा क्लोरीन प्लस क्लोरीन विल गिव अस टू फॉर्म क्लोरीन गैस। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा, yes, ma'am. हाँ जी, तो फिर हम yes, देखते हैं कि ओवरऑल रिडक्शन देखो ये होती है हमारी, क्या हुआ, NaCl जो था इट ब्रोक डाउन इनटू Na प्लस Cl2, अगर हम बैलेंस करते हैं तो इट विल बी 2 NaCl प्लस 2 Na प्लस Cl2। क्लियर है, अब अगर सपोज करो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमेशा होता है वो डायरेक्ट करंट से होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट से नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस होगी ही नहीं था, वो इतने में ही फेज चेंज हो जाता है, तो मूवमेंट जो है वो हाफ वे में ही वापस रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी करनी होती है वी यूज डायरेक्ट करंट, ठीक है बेटा। अभी एक सेकेंड आप रुकना, जब हमारा एक डिसोसिएशन हमने देखना है, अब देखो ये सोडियम है, राइट, दिस इज सोडियम क्लोराइड, ये एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, एंड एज यू नो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इट इज अ सॉलिड, वो सॉलिड होता है। एंड हमें ये भी मालूम है जो सोडियम क्लोराइड है, इट इज एक्चुअली जो सोडियम है वो आपका कैसा साइन बनाता है, प्लस साइन बनाता है, ठीक है, एंड क्लोरीन इट फॉर्म्स नेगेटिव, सो दैट इज कि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है,
ओके नाउ तो व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर वाटर में भी सेम वही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो व्हेन दिस नेगेटिव विल कम टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव इट विल अट्रैक्ट ओके एंड इट अट्रैक्ट्स द मॉलिक्यूल कंपाउंड विद इट ये देखिए क्लोरीन को ये अट्रैक्ट करके इट इज टेकिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड सोडियम इज देयर बीइंग विद ऑक्सीजन ओके सो इट हेल्प्स टू देखो मैंने अभी ये बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होता है इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस जिसमें जो एक आयनिक कंपाउंड था इट इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस इन फ्यू स्टेट या फिर इन एक्वस स्टेट अब मैंने आपको NaCl का बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि इट्स अ सॉलिड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होता है और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो फ्री नहीं होते तो क्या होता है जब ये सॉलिड स्टेट में है इट विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा उसका रीजन यही होता है बिकॉज वो एक आयनिक कंपाउंड है देयर इज प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हिच आर स्ट्रांगली मतलब बाउंडेड बाय ईच अदर वो दोनों के बीच में इतनी ज्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो मतलब अल्टीमेटली वो एक जगह पे फिक्स होकर रह जाते हैं सो देयर इज नो मोबिलिटी कोई फ्री आयंस नहीं है बट जैसे ही आप इसको पानी में डिजोल्व करते हो व्हाट हैपेंस कि जो ये पोलर स्ट्रक्चर था जैसे मैंने आपको बताया जो वो नेगेटिव था ऑब्वियसली वो क्या करता है वो सोडियम आयन को अपनी तरफ खींचता है ठीक है और इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है वो क्लोरीन को अपनी तरफ खींचता है सो क्लोराइड आयन आपका हाइड्रोनियम आयन की तरफ जाएगा और जो सोडियम आयन है वो ऑक्साइड आयन की तरफ जाएगा एंड दिस इज हाउ दे बिकम फ्री वो फ्री हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग सो दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है बेटा अब देखो मोल्टन स्टेट में क्या होता है अब कई बार क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि मैम ठीक है पानी में डिजोल्व किया वो तो समझ में आ गया बट व्हाट अबाउट हम उसको जब मेल्ट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है मेल्ट करने पे तो भाई NaCl ही रहा बेटा देखो जब हम बात करते थे मैटर की मैटर में हम क्या कहते थे अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस एंड वाइस वर्सा तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे में इंटरचेंज हैं लेकिन जब हमें उनको इंटरचेंज करना होता है वी ईदर हैव टू सप्लाई एनर्जी और वी हैव टू टेक अवे द एनर्जी अब जब हमें सॉलिड से लिक्विड गैस में लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो नेचुरली मुझे उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है सो आई एम हीटिंग दैट सॉलिड हम उसको क्या दे रहे हैं हीट एनर्जी दे रहे हैं हाई टेम्परेचर दे रहे हैं अब वो हाई टेम्परेचर कर क्या रहा है एक्चुअली वो क्या करता है जो भी दो आपके पार्टिकल्स थे जैसे सपोज ये एक पार्टिकल है ये एक पार्टिकल है बेटा ठीक है ऑब्वियसली इनके बीच में एक फोर्स प्रेजेंट है ये फोर्स प्रेजेंट है अब इसको तोड़ेगा वो राइट जैसे उसने उसको ब्रेक डाउन किया तो दे गॉट फ्री सोडियम फ्री क्लोरीन फ्री राइट आयन्स जो थे वो फ्री हो गए तो क्या हुआ अब वो मूव कर सकते हैं आराम से क्योंकि उनके बीच में जो एक बॉन्ड प्रेजेंट था वो हमने एनर्जी दे के तोड़ दिया ओके क्लियर हुआ वो जो हाई टेम्परेचर था वो ये हेल्प करता है कि जब वो मेल्टेड पार्ट था मोल्टन हिस्सा था वो कैसे कंडक्ट करने लग गया उसमें तो कोई आयन्स नहीं आए बाहर से वाटर में तो आते हैं और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द काइंड ऑफ डिसोसिएशन एंड एक्वस सॉल्यूशन इज शोइंग एंड मोल्टन स्टेट इज शोइंग आई होप दैट इज क्लियर नाउ यस नाउ Another very Ridhima, is it clear now? Yes? Yes, ma'am. हाँ जी अब बेटा एक बड़ा अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस में ये चीज आप हमेशा याद में रखना कि there is a selective discharge of ions at electrodes. मतलब वहां पे भी कुछ पार्शलिटी चलती है ओके कि कौन सा आयन जो है वो रिड्यूस होके खुद को या वो ऑक्सीडाइज होके खुद को न्यूट्रल बना लेगा ठीक है जब हमारे देखो एक सोल्यूशन है उसमें सेम चार्ज के आपके पास दो या दो से ज्यादा आयंस है जैसे सपोज करो मेरे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस ही तीन चार हैं तब उसमें से कौन जाके कंप्लीट होएगा कौन डिस्चार्ज होएगा ये कैसे डिसाइड होगा ऑब्वियसली वो सबके सब क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं अब उनमें क्या क्राइटेरिया देखा जाता है कि किसको ये कहा जाता है कि भाई अब आप जो है डिस्चार्ज हो रहा होगा कैसे होगा सो अब जब ये कंप्लीट हुआ कॉम्पिटिशन हुआ तो ऑब्वियसली आप एक को सिलेक्ट करोगे सिलेक्शन ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू बी डिस्चार्ज इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस क्लियर हुआ बेटा अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ आयंस एंड दे आर मोर देन टू और मोर देन टू ठीक है या दो से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है तो कौन डिस्चार्ज होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे दैट विल बी डिसाइडेड कि एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप जो है जाके डिस्चार्ज हो जाओ हाउ दैट सिलेक्शन टेक्स प्लेस अब वो हम देखते हैं कि वो सिलेक्शन कैसे किया गया ठीक है क्या क्राइटेरिया लिया गया कैसे लिया वो देखते हैं अब
देखो बेटा, सबसे पहले है रिलेटिव पोजिशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, हम जब रिएक्टिविटी सीरीज करते थे ना, हम ये कहते थे जो ऊपर ऊपर है वो रिएक्टिव होता है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर था। इसमें क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगी, पर पहले हम तीनों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एक हमने सीरीज बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर आयन की क्या पोजिशन है उस सीरीज में, वो पोजिशन डिटरमाइन करती है कि क्या वो सिलेक्टेड होगा या नहीं होगा, उसके सिलेक्शन होगी, पॉसिबल है या नहीं है। सेकेंड इज कि उसकी रिलेटिव कंसेंट्रेशन क्या है उस सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसका रिलेटिव जो एक कंसेंट्रेशन होना चाहिए बाकी आयंस के हिसाब से वो कैसा है। नंबर थ्री, आपके इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है। ओके, तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जिसे हमने कंसिडर करना है, और ये हमारा क्या बनेगा, उसका एक टेस्टिंग टूल बन जाएगा कि भाई अब आप पास हो, आप चलो देखिए आप कैसा टूल है वो। सो नंबर वन इज योर रिलेटिव पोजिशन। देखो बेटा, अब रिलेटिव पोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी आयन अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, कोई भी आयन जो एक उस सीरीज में लोअर पोजीशन पे है उसको मौका दिया जाता है कि भाई आप डिस्चार्ज हो जाओ, और जो उससे ऊपर होते हैं उनको कह देते हैं यू वेट इन द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, आयन शुड बी लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इसमें हमेशा हमारा क्या चलता है, उल्टा काम चलता है, मतलब हम लोअर वाले को जल्दी पिकअप करते हैं कि आप जाके डिस्चार्ज हो जाओ। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर चल रहा होता है। द पार्ट द आयन व्हिच इज देयर लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दैट वुड बी कंसिडर्ड टू गेट डिस्चार्ज, अगर हमने बाकी फैक्टर्स जो है वो कॉन्स्टेंट कर दिए। क्लियर हो गया, फर्स्ट फैक्टर इज क्लियर, पहला टूल क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये जो टूल है ना बेटा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ आयन का क्या मतलब है कि अगर सपोज करो एक आयन जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और उसको हम डिस्चार्ज करने को कह देंगे, लेकिन उसको कब कहेंगे, जब कोई एक और आयन भी प्रेजेंट था लेकिन वो उस सीरीज में लोअर क्वांटिटी में था। मतलब अब मैंने पहले फैक्टर को भी बीच में मिला लिया, सीरीज है सपोज करो ए और बी है, ए जो है वो फिफ्थ नंबर पे है और बी जो है वो सेवेंथ नंबर पे, ठीक है। तो अब फर्स्ट फैक्टर के हिसाब से हमें बी को चांस देना चाहिए, राइट, बट ए की कंसंट्रेशन बी से बहुत ज्यादा है, तो किसको चांस मिल जाएगा, ए को, तो ए विल गेट द चांस टू गेट डिस्चार्ज। क्लियर है बेटा, समझ आई, यस। चलिए अब इसको हम एक बार एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे अब NaCl कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रही हूँ कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब हुआ रिद्धिमा, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड, यस, कंसंट्रेटेड मींस डाइल्यूट, ओह नहीं, हमारा नहीं है, सॉरी, हाँ हमारा सॉल्यूट ज्यादा हुआ, सॉल्वेंट बहुत कम हुआ, राइट, है ना। अब देखो आयनिक कंडीशन के हिसाब से क्या बनना चाहिए कि NaCl will break down into sodium ion plus chloride ion and water will dissociate into hydronium ion plus hydroxyl ion। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, अब see the thing, कैथोड पे क्या हो रहा है आपका, एक सेकेंड, यस, अब कैथोड पे देखो दोनों पॉजिटिव आयन्स जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, नेचुरल सी बात है। अब यहाँ पे हमारे पॉजिटिव आयन कौन कौन है, एक तो सोडियम है और एक हाइड्रोनियम है। अब दोनों के दोनों दे रीच्ड कैथोड, अब कैथोड हो गया कंफ्यूज, अब भाई मैं किसकी बात मानूं, सोडियम की मानूं या हाइड्रोनियम की आयन के मानूं, जिसके नहीं मानूंगा वो नाराज हो जाएगा। अब वो जो बॉल है उठा के किसके उसमें कर देता है, भाई अब तुम डिसाइड करो, सोल्यूशन को बोलता है, अब तुम बताओ मुझे मैं किसकी साइड लूं, ठीक है। अब वो कहता है ठीक है जी देख लेते हैं इसका सोल्यूशन में क्या, हम अब जैसे सपोज करो टॉपर डिसाइड करना है, अब फाइनल मार्क पेपर्स में तो मार्क्स बड़े अच्छे आए, दोनों के मार्क्स अच्छे आए हैं, दोनों के दोनों फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए हैं, अब पंगा खड़ा हो गया जैसे कि रियलिटी शोज में होता है, क्या करते हैं अब हम पब्लिक वोटिंग से डिसाइड करेंगे, चलो जी काम ही खत्म। अब यहाँ पे पब्लिक वोटिंग क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट, अब देखा जाता है कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है। अब हमने सबसे पहले सोल्यूशन ही कंसंट्रेटेड NaCl ले लिया, अब कंसंट्रेटेड NaCl लिया तो ऑब्वियसली हमारा सोडियम आयन ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है। सो अब यहाँ पे हमारा जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन थी दैट वाज मच ग्रेटर देन हाइड्रोनियम आयन, क्लियर है, समझ आई बात बेटा। तो ऑब्वियसली आपको सोडियम आयन को
चांस देना पड़ेगा, चाहे हाइड्रोनियमायन जितनी मर्जी तेज पहुंचाओ, वी डोंट केयर। लेकिन कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा थी? सोडियम आयन की। अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता तो क्या होता? हाइड्रोनियमायन वहां पहुंचता है ना, हाइड्रोनियमायन क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था, हमें उसे डिस्चार्ज करना पड़ता। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। नाउ वी विल सी कि एनोड पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट एनोड। अब एनोड पे देखो बेटा, एनोड पे व्हाट इज हैपनिंग, वहां पे भी दो तरह के आयन पहुंच गए, क्लोराइड भी और हाइड्रोक्सिल आयन भी, दोनों के दोनों एनोड पहुंच गए। अब किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है बेटा? क्लोराइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल, तो ऑब्वियसली हम किसको चांस देंगे? यस, किसको चांस मिलेगा? क्लोरीन को डिस्चार्ज होने का। इज दैट क्लियर? अब जबकि हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है ना, वो बहुत लोअर पोजीशन में होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड, लेकिन फिर भी हम उसको चांस दे देते हैं। नाउ इट्स क्लियर? यस यस मैम। चलो अब हमारा है थर्ड टू। अब मान लिया ये दोनों चीजें भी डिसाइड कर ली, लेकिन अभी एक हमारा छुपा हुआ रुस्तम प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोड्स। अभी तक तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया हमारा, हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट में ही घूम रहे हैं अभी तक। सो अब ये पेंट्रा जो है, दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। अब इलेक्ट्रोड्स हमारे दिमाग में क्या आता है, वहां पे आयन जाते हैं, जाके या तो रिड्यूस हो जाएंगे या ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब ये बड़े छुपे रुस्तम है, ये क्या करते हैं, दे आर ऑफ एक्चुअली टू तरह के इनका नेचर होता है। एक तो होता है इनर्ट, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात मानेंगे, मतलब जैसा आपने इनको हुक्म दे दिया they'll go by that। एक होता है एक्टिव, सलाख बहुत होते हैं, कहते हैं भाई हम तो नहीं आपकी सुनने वाली, हमारे हिसाब से चलोगे तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस में हेल्प करेंगे, नहीं तो हमने नहीं करनी। अब इनर्ट वाले का पहले केस देख लेते हैं क्या है। इनर्ट में देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि दे डोंट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर इनर्ट इन नेचर। ठीक है, दे आर वेरी 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 नॉन रिएक्टिव, वो उनको कोई मतलब नहीं है, आप उनकी हेल्प ले रहे हो, से ओके नो प्रॉब्लम आई विल हेल्प यू, फॉर एग्जाम्पल योर ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है, प्लैटिनम जो है, ये सारे कैसे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, दे डोंट इंटरफेयर विद द फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है बेटा? अब हो क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपके हमारे पास तीन टूल्स थे जब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा पर्टिकुलर आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा, है ना। अब एक इलेक्ट्रोड, एक वाला टूल तो अब काम ही नहीं कर रहा ना, वो तो इनर्ट है, तो इसका मतलब आपका जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज है वो सिर्फ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, कि पोजीशन क्या है आयंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और उसकी कंसेंट्रेशन कितनी। इज दैट क्लियर? यस। अब आता है बेटा जब वो एक्टिव होते हैं, जब पंगा तो तब पड़ता है जब इलेक्ट्रोड्स दे स्टार्ट यू नो इंटरफेयरिंग विद द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, तब क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर तो हमें पता ही है रिएक्टिव है। अब ये जब होता है तो ये क्या करेगा, ये अपनी रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। सो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, दे गेट डिफरेंट। तो ये भी हम एग्जाम्पल अभी देखेंगे। अब देखो, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, दो तरह से इसको हमने किया, और एक में हमने आपका जो इलेक्ट्रोड्स थे वो इनर्ट यूज किए। ठीक है, और एक केस में हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो है एक्टिव, बाकी हमने चीजें सेम रखी। ठीक है, बाकी दो फैक्टर्स हमारे सेम है, क्योंकि हम जो ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, दैट इज कॉपर सल्फेट। दोनों केस में हमने कॉपर सल्फेट ले लिया। क्लियर बेटा? नाउ जब इनर्ट गैस, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया, व्हाट हैपेंस, हमने हमने ले लिया प्लैटिनम। अब ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है एनोड पे, और कॉपर जो मिलेगा वो कैथोड पे मिलेगा। क्लियर बेटा? यस। ठीक है, एक्टिव एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के केस में क्या हुआ, कॉपर तो मिल गया कैथोड पे, दैट इज ओके, लेकिन क्यूपरस आयंस मिले हमें एनोड पे। यहाँ पे हमें एनोड पे क्या मिला था, ऑक्सीजन, राइट, और यहाँ पे हमें क्या मिला, क्यूपरस आयंस। यस, क्लियर? यस मैम। अब देखो, अब दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि जब हमने इनर्ट केस लिया था, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए थे, उस केस में हम प्लैटिनम एनोड यूज कर रहे हैं, और इस केस में एक्टिव के केस में वी आर यूजिंग दोनों इलेक्ट्रोड्स कॉपर के बने हुए। क्लियर बेटा? यस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। चलो नाउ वी विल, हाँ जी चलो जी, अब एग्जांपल्स है बेटा, देखो। यस, देखो बेटा, अब है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसमें देखो आपका कैसे है, जब हमने
इसको लिया, ब्रोमीन जो है ऑब्वियसली जब आप मोल्टन एक चीज को मेल्ट डाउन कर लेते हो तो आयन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. एंड एज यू नो ये देखो ये आपकी मूवमेंट आ रही है. सो ब्रोमीन जो है वो Br बनके बाहर लिबरेट हो गया एट एनोड. अब ये जो लेड आयन है वो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स कैथोड. ये देखो इट इज गोइंग टुवर्ड्स कैथोड और क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आ रहे हैं रिड्यूस होके इट विल बी गोइंग डाउन. सो ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड के फॉर्म में वो कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जाता है, वहां पे जाके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. क्लियर है बेटा? ऑक्सीडाइज मतलब क्या हो रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. Whereas in case of cathode, क्या हो रहा है, जो lead ions हैं, वो cathode पे जाके electrons को accept कर रहे हैं. Electron flow आप देखो anode से होता हुआ cathode पे जा रहा है. So जो यहाँ से आपका movement क्या है, start हो रहा है. Clear है बेटा? आपका ये जो ions हैं, एक second, yes. अब ये जो ions थे, यहाँ से इन्होंने start किया. They are moving, 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 and they are going यहाँ पे cathode पे आ रहे हैं. So this is how it is taking place. जो lead ion है वो दो electrons को gain कर रहा है and it is being drawn back into lead atom. इसी तरह bromine जो है क्योंकि वो single atom में नहीं exist करता, it is diatomic molecule. वो brown color की bromine gas के form में liberate out हो जाता है. Clear है बेटा? Yes. और हमारे को जो lead है वो आपके एक silvery beads के form में मिल जाता है. ठीक है जी? थ्योरी में आपको बता देती हूँ फटाफट से. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड. आई थिंक अब आपके दिमाग में वो पिक्चर होगी. हमने मोल्टन Br2 लिया. आयंस कौन से प्रेजेंट थे बेटा हमारे? आयंस हमारे प्रेजेंट थे कौन से थे बेटा? लेड और ब्रोमाइड. ठीक है, हमने जो टेम्परेचर है हमें 380 डिग्री सेल्सियस इसको बना के रखना पड़ता है और उसके नीचे हम क्या करते हैं, लगातार एक बर्नर को हीटअप करने के लिए रख देते हैं. और जो सेल हम लेते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका, क्रूसिबल होता है और उसके बेनिफिट्स मैं भी आपको बताऊंगी. इलेक्ट्रोड्स हम इनर्ट वाले ले रहे हैं. इनर्ट का फायदा ये होता है कि दे डोंट इंटरफेयर विद द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस. और इसमें हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. अब कैथोड पे जैसे आपने अभी उसमें देखा था वीडियो में कि जो लेड था वो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा था, इट वॉज गेनिंग अवे. तो क्या हो रहा था, इट गॉट टू हैव लेड, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया. एनोड पे क्या हो रहा था, ब्रोमाइड जो था वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजन अप कर रहा था एंड टू फॉर्म Br. और Br जो था क्योंकि वो एक सिंगल एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, उसके एटॉमिसिटी 2 है, तो वो क्या है, ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन एंड इट इज गिविंग आउट एज ब्रोमीन गैस. तो ओवरऑल रिएक्शन जो हो रही थी वो ये हो रही है आपकी. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या चीज है, PbBr2 लिक्विड स्टेट में है और जो लेड है हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है और ब्रोमीन गैस जो है वो गैशियस फॉर्म में रिलीज हो जाती है. क्लियर है? ये इसका ड्राइंग है जो आपको वैसे काम आएगा कि भाई हाँ इट इज इम्पोर्टेंट. अब बेटा देखो जब हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट वी हैड ऑब्जर्व, जो हमने एनिमेशन में भी यही देखा कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो थे ब्रोमीन के वो एनोड पे लिबरेट होते हैं और ग्रेश जो लेड है उसके बीड्स जो है हमें कैथोड पे लिबरेट कैथोड पे मिल जाते हैं. क्लियर है बेटा? उसके बाद जब करंट हमने स्टार्ट किया था व्हाट हैपेंड, जो लेड था वो फटाफट से कैथोड की तरफ जाना शुरू हो गया था. याद है आपको, वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो गया तो वहां से वो दो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल लेड एटम बना रहा था. और जबकि ब्रोमाइड है वो एनोड की तरफ फटाफट गया और उसने जल्दी से वहां पे अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिया और ब्रोमीन जो है एक और ब्रोमीन एटम के साथ मिलके ब्रोमीन गैस बना देता है. अब बेटा जो सिलिका है, व्हाई वी हैव प्रेफर्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टू बी मेड अप ऑफ सिलिका, वो इसलिए कि ये नॉन रिएक्टिव होता है. इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर क्योंकि हमें 380 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है और इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं तो क्या होगा, आप टच करोगे तो आपको शॉक लग जाएगा. सॉलिड PbBr2 नॉन कंडक्टर है इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, लगातार हीट करना पड़ता है ताकि वो मोल्टन स्टेट में रहे. इनर्ट गैसेस मैंने आपको बताया, हम ग्रेफाइट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ब्रोमीन जो है वो हाईली रिएक्टिव वेपर है, हाईली रिएक्टिव. तो अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड लोगे तो कुछ और ही रिजल्ट आ जाएगा. तो वी वुड प्रेफर कि हम यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड हम प्रेफर करें. ठीक है बेटा?